उत्तर प्रदेश के अमरोहा में भाजपा नेता से पेट्रोल पंप लगवाने के बहाने 27.5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि यूपी के अमरोहा के हसनपुर के निवासी भाजपा नेता चंद्रपाल खड़गवंशी से पेट्रोल पंप लगवाने के बहाने 27.5 लाख रुपए की ठगी हुई है। इस पूरे मामले में चंद्रपाल खड़गवंशी की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बता दें, प्रदेश के अमरोहा जनपद के हसनपुर के रहने वाले भाजपा के पिछड़े वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश के 10 सदस्य चंद्रपाल खड़गवंशी को पेट्रोल पंप लगवाने का झांसा देकर उनसे 44 लाख रुपए लेकर उसमें से 27.5 लाख रुपए हड़प लिए गए हैं। उनका आरोप है कि यहां मनोज कुमार का आना जाना है, जो जनपद बिजनौर के नजीबाबाद का रहने वाला है। आरोप है, पिछले वर्ष 11 फरवरी को मनोज कुमार उनके घर आया और कहा कि उनके दोस्त आदर्श बंधु पेट्रोल मंत्रालय में बहुत बड़े अधिकारी हैं। उनके कोटे में 5 पेट्रोल पंप आए हैं। एक पेट्रोल पंप पवन चौहान अमरोहा में लगवा रहे हैं। एक पेट्रोल पंप करीब 60 लाख रुपए का खर्चा आएगा। अप्रैल 2019 के दूसरे सप्ताह में पेट्रोल पंप का काम भी शुरू हो जाएगा। पंप लगाकर चालू हालत में कंपनी आपको देगी। विश्वास करके वह हसनपुर रहरा मार्ग पर गाँव हतिया खेड़ा के नज़दीक पेट्रोल पंप लगवाने को राज़ी हो गए। अपने व पत्नी तथा दोस्तों के खाते से 44 लाख रुपए की धनराशि आदर्श बंधु निवासी कोतवाली नगर एटा के एक्सिस बैंक के खाते में ट्रांसफ़र करवा भी दिए गए। कई माह बीतने के बाद भी जब पेट्रोल पंप की कार्रवाई शुरू न होने पर रुपए वापस मांगने पर विभिन्न भाड़े में 16.5 लाख रुपये वापस किए गए, जबकि 27.5 लाख रुपये के लिए कई बार वे एटा के चक्कर लगा चुके हैं। आरोप है कि आदर्श बंधु की माँ चंद्रकला तथा एक अन्य मनोज नाम के व्यक्ति ने उन्हें दोबारा मांगने रुपए के लिए एटा पहुंचने पर जान से मारने की धमकी भी दी, जिसके बाद इंद्रपाल खड़गवंशी में हसनपुर कोतवाली में सभी आरोपित 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम कराने की तहरीर दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। देखिए अमरोहा से विशेष संवाददाता मोहम्मद आसिफ की विशेष रिपोर्ट। पेट्रोल पंप का मामला एक हमारे समाज सेवी मित्र यहाँ घर आना जाना था, उन्होंने हमें बताया कि एक मेरे दोस्त हैं, उनके अच्छे संबंध हैं और 5 पेट्रोल पंप हैं, उसमें एक पवन चौहान जी लगवा रहे हैं, एक आप भी लगवा लो और एक और बताए कि 3-4 पंप अमरोहा के लिए हम दिलाएंगे तो एक आप भी ले लो। कितने में? उन्होंने बताया कि सब कुछ तैयार करके देंगे 60 लाख में, ये पैसे इस खाते में ट्रांसफ़र कर दो। हमने 2 बार में 44 लाख रुपए उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिए, आदर्श बंधु एटा का उनका पता था, और फरवरी में दिए, मार्च में दिए, फिर अप्रैल में काम शुरू हो जाएगा। 19 बीत गई, 20 शुरू हो गई। हम बार बार जाते भी रहे, घर भी गए 2-3 बार, तो उनके घर खुद नहीं मिले, वो आदमी खुद नहीं मिला, उनकी पत्नी, माँ, एक बच्चा, एक और उनका कोई रिश्तेदार होगा, वे मिले। हमने प्रयास करा लेकिन उन्होंने पैसे देने की कोई वो नहीं समझी कि पैसे इनके वापस करे जाएं। उसके बाद हमने फिर पुलिस प्रशासन को तहरीर दिए कि हमारे पैसे इन इन डेटों में गए हैं, स्टेटमेंट दिए हैं और ये हमारे पैसे दिलवाए जाएं, ये लोग इसमें शामिल हैं। क्या मुकदमा दर्ज हो गया? हाँ, मुकदमा पंजीकृत हो गया है। भाई साहब, कितने रुपए बाकी होंगे? रुपए 16.5 उन्होंने वापस करे हैं बैंक के माध्यम से ही, जैसे लिए हैं उसी खाते में उसी से दिए हैं, और 27.5 बाकी रह गए हैं। और काफ़ी कया लेकिन उस आदमी ने हमारी बात सुनी, मोबाइल भी बंद कर रखा है जो हम पर। कितने लोग हैं आपके साथ जिनके संग ठगी हुई है? नहीं, एक तो मैं ही हो गया, एक पवन चौहान है और एक मनोज हैं जो उनसे भी गए हैं, उनके आए गए कुछ रह गए हैं और भी एक दो होंगे, औरों की मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं। हसनपुर कोतवाली में एक 406-420 IPC का मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें आरोप है कि किसी व्यक्ति ने, जो कि एटा का रहने वाला है, पेट्रोल पंप लगाने के नाम पे 27,50,000 रुपया लिया, पेट्रोल पंप नहीं लगवाया और पैसा भी वापस नहीं किया है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, विवेचना की जा रही है। किसके द्वारा सब दर्ज कराया? ये हसनपुर थाना क्षेत्र में वहीं के रहने वाले हैं, श्री चंद्रपाल सिंह खड़गवंशी।
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.